को कंसोल दिख रहा है, तो कंसोल के ऊपर बताना चाहेंगे? चलो ये कुछ नहीं बताना चाह रहे, शर्मा रहे, चलो कोई नहीं आगे चलते हैं, आ जाओ। ये कह रहे मुझसे बात नहीं कर रहे, भाई क्यों नहीं कर रहे मुझसे बात आप? अच्छा मुझे ये तो बताओ, ये प्लाई आपने एक्स्ट्रा से क्यों ठुकवा रखी है? हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब? एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम ना अंदर चलेंगे, अंदर इंटीरियर का काम चल रहा है और काफ़ी सारी टीम जो है अंदर काम कर रही है और उनसे हम एक एक करके बात करेंगे, लेकिन अभी हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। ये हमारे ठेकेदार जी, और ठेकेदार जी से थोड़ी सी बात करेंगे फिर हम चलेंगे अंदर। ठेकेदार जी ये मतलब बताओ, बेसिकली जैसे आज के टाइम पे जैसे घर जो बनते हैं, तो घर जैसे एक बेसिक घर जो बनते हैं, लगभग कितनी कॉस्टिंग जो उसमें आ जाती है और क्या क्या चीज़ों में उसमें इंक्लूड रहती है और क्या क्या चीज़ों में इंक्लूड नहीं रहती है, इसमें थोड़ा सा बारे में आप थोड़ा सा बताइए आजकल के हिसाब से। मतलब आज हम 2022 चल रहा है और सेप्टेम्बर के मंथ में, तो आज के हिसाब से आप बताइए। ये भैया एरिया के ऊपर होती है बात, ठीक है? मतलब एरिया अगर बड़ा है तो जी जी ठीक है, उसी हिसाब से आती है। जैसे मान लो 1000 फुट का प्लॉट है, 1000 फुट लेके चलते हैं, 1000 फुट का है और ग्राउंड फ्लोर, उसके ऊपर एक फ्लोर और बन रहा है। जी जी, ये नीचे तो लगभग 1400 से 1500 के करीब खर्च आता है, ऊपर थोड़ा कम 1200 के करीब आता है। अच्छा मतलब नीचे तैयार होने में, अच्छा लगभग मतलब तैयार होकर पूरा जो ग्राउंड फ्लोर का सिर्फ एक फ्लोर में आ रहे हो तो 1400-1500 तक का खर्चा आ जाता है, और अगर उसके ऊपर बनाते हो तो 1200+ मान लो, मतलब एवरेज, मतलब G+1 बनाएंगे तो एवरेज हम 1300-1350-1400 के आसपास मान ही लें, है ना? अच्छा इसमें क्या क्या चीज़ें जो इंक्लूड रहती हैं? इसमें भैया लगभग सभी रहती है, लेकिन अलग अलग रेंज होता है। बिल्कुल, इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करिए। हाँ जी, जैसे हमारी टाइल्स हम देते हैं 50 रुपये, मालिक पसंद करते हैं 70-80 रुपये, अच्छा। तो वो एक्स्ट्रा हो जाता है 20 रुपया। अच्छा मतलब कहने मतलब जैसे मतलब 1000 स्क्वायर फीट टाइल लग रही है जी, तो उसमें 50 रुपये की हमने पसंद करी, तो 30 रुपये का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस पे कर देंगे, अगर 50 तक की पसंद करेंगे। हाँ वो फिर हमें, और अगर कम होगी तो वो लेस हो जाएंगे, वो लेस हो जाएंगे। और क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड रहती हैं? और इसमें बहुत चीज़ें हैं, जैसे आजकल दरवाजे चल रहे हैं फ्लश डोर, मालिक कह रहे हैं वो सागौन के, बिल्कुल उनमें भी काफ़ी। तो ये जो आपने भी जो कॉस्ट्यूम था, इसमें क्या, इसमें फ्लश डोर रहते होंगे या फिर वुडन डोर रहते हैं? वो तो जैसे एग्रीमेंट में तय होता है ना। नहीं, इस प्राइस रेंज में क्या चीज़ इंक्लूड होती है? ये 160 रुपये के आसपास है, 150-160, और वह लगभग 400 के करीब, 400 रुपये फुट सागौन का। और इसमें जो है भराव हो गया या फिर जैसे सेप्टिक टैंक हो गया, ये सब चीज़ें भी इंक्लूड रहती हैं? नहीं, ये थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाए भैया। अच्छा, ये एक्स्ट्रा होता है, मतलब ये जो है इसके अलावा, इसके अलावा एक्स्ट्रा होता है। हाँ, भराव और सेप्टिक टैंक। अच्छा, ये मतलब सारी चीज़ें जो है ये इसमें इंक्लूड नहीं रहती। अच्छा मुझे बताओ, इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें इसमें इंक्लूड नहीं रहती हैं? इसमें एक तो छत पे हम सिंगल डाल के देते हैं, फिर मालिक लोग कहते हैं कि पत्थर लगा दो, वो तो एक्स्ट्रा ही हो जाता है, ठीक है? और तो ऐसा कुछ नहीं, बस ओके। अच्छा, इसमें जो छत पे जो कलेजी डलती है वो भी इंक्लूड रहती है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, जो बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, कि जो नपाई होती है वो किस तरीके से होती है, उसको आप बताइए। लेंटर नपता है, सीढ़ी अलग से नपती हैं, या छज्जे नपते हैं, किस तरीके से? भैया इसमें ऐसा है, छज्जे तक लेंटर नपता है। अच्छा, छज्जे तक लेंटर नपता है। और जिन्ना जो है जैसे सिंपल लगा रहे हैं, वो तो उसकी हम पैमास नहीं करते, स्टेप वाला है, जैसे स्टेप स्पाइरल वाला, हाँ जी ठीक है, वो एक्स्ट्रा होता है, वो एक्स्ट्रा हो गया। अच्छा, इसमें अब जैसे हम जैसे जीना अगर हम बना रहे हैं, तो बीच में से जैसे कटिंग भी तो हो रही है, तो उस कटिंग को छोड़ते हो आप? वो छोड़ देते हैं, वो छोड़ देते हैं, मतलब अगर आप जीने को नाप रहे हो तो उसको भी छोड़ देते हैं, अगर आप जीने को नहीं नाप रहे फिर उसमें इंक्लूड हो जाता है, उसी हिसाब से ममटी नप जाती है, उस हिसाब से ममटी नप जाती है। ओके, अच्छा इसके अलावा और कोई पॉइंट जो आपको लगता है कि छूट गया हो? नहीं, ऐसा तो मतलब बेसिक तो यही है, बाकी इंटीरियर में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी है। अब ये है, हमने नल 20 जो है 600 रुपए की कर दी, मालिक को पसंद आ रही है 1200 रुपए की, उसमें काफ़ी वो आ जाता है। ओके, और जो है सीट एक तो आ रही है 1500-1600, उसमें तो कोई रेंज ही नहीं है, सीट तो 2-2 लाख रुपए तक की आती है। हाँ जी हाँ, उसी हिसाब से होता है, तो हो गया। अच्छा, इसमें ये वाला ये दिखाना, ये व्यू तो देखो, ये जो येलो कलर की जो आप देख रहे हो पाइपलाइन, ये गैस की पाइपलाइन है, ठीक है? अभी इसमें क्या है, ये प्लॉट जो है बेसिकली क्लाइंट ने बाद में लिया था, और ये इनके पास पुरानी प्रॉपर्टी थी, अब क्या है दोनों को आपस में मिला दिया, यहाँ पर गार्डन डेवलप होगा, ये पार्किंग की जगह हो गई, और इसके अंदर जो रिनोवेशन का काम चल रहा है, जिसमें अभी हम अंदर चलते हैं और अलग अलग टीम्स से हम बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हम बात करेंगे, पत्थर वाले से बात करेंगे, पेंटर से बात करेंगे, कारपेंटर से बात करेंगे, तो हर बंदे से बात करेंगे और काफ़ी सारी जो है आपको इन्फॉर्मेशन अभी मिलेगी। तो चलिए अब हम चलते हैं अंदर की तरफ, अब अंदर चलते हैं। अभी बेसिकली जैसे कि अभी स्क्रीन पे जो फोटो देख रहे हैं ना, फोटो में जब आपको कंसोल दिख रहा है, तो कंसोल के ऊपर
तो अभी जैसे कि स्क्रीन पे जो हमने फोटो देखी ना, अभी इसमें जो है कंसोल है, अब कंसोल के ऊपर जो स्टोन आपको दिख रहा है, तो इसके ऊपर जो स्टोन लगेगा, और ये जो है स्टोन यहाँ पर देख रहे हैं कि अभी कटिंग चल रही है अभी यहाँ पर, ठीक है। अब अंदर आते हैं, ये पत्थर वाले हैं जो सामने आप देख रहे हैं, इनसे इनसे हम ज़रा थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इधर आना भैया, अभी जैसे पत्थर का काम करो ना, देखो जैसे किचन हो गई, किचन में पत्थर लगता है, तो इसमें पत्थर लगाते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और थोड़ा सा एक प्राइस का भी मुझे आइडिया बताओ कि क्या प्राइस है आज के हिसाब से रहता है, मतलब किचन में स्क्वायर फीट का हिसाब चलता है, कंप्लीट हिसाब चलता है, कंप्लीट हिसाब चलता है, अच्छा कंप्लीट मतलब स्क्वायर फीट का हिसाब चलता है, मतलब जैसे मार्बल लग रहा है फ्लोर पे उसमें तो स्क्वायर फीट का हिसाब चलता है, किचन मतलब कंप्लीट होता है, किचन कंप्लीट होता है, क्योंकि उसमें काम ज्यादा होता है, कटिंग वटिंग काफी ज्यादा रहती है ना, बहुत टाइम लगता है। हां तो मतलब हां टाइम तो बहुत ज्यादा लगता है क्योंकि इसमें फिनिशिंग वगैरह, अच्छा इसमें मोल्डिंग जो होती है, तो उसमें मोल्डिंग में डिजाइन के ऊपर जो डिपेंड करता है। अभी जैसे मोल्डिंग के बारे में बात करते हैं, तो मोल्डिंग का जनरली प्राइस क्या चलता है आपके साथ? ये 150 रुपए के समथिंग रहता है सर, 150 रुपए। तो इसमें डिजाइन के ऊपर भी डिपेंड करता है जी, डिजाइन के ऊपर भी, मतलब एक बेसिक जो है वो 150 रुपए रहता है, नॉर्मल ज्यादातर लोग यूज करवाते हैं। और किचन अगर हम माने एक मान ली 10x12 की किचन है, उसमें आपको पत्थर लगाना है, तो आप अगर कंप्लीट में बात करो तो लगभग कितना रुपए मतलब एक क्वांटिटी में खर्चा आ जाता है? वो करीब उसमें सर खर्चा जाता है करीब 17-18 हजार रुपए के समथिंग। तो मोल्डिंग का जैसे भैया ने बताया 150 रुपए स्क्वायर फीट, और किचन का आपने बताया टेंटेटिव कितना खर्चा बताया? 17-18 हजार रुपए, 17-18 मतलब आ जाता है, मतलब उसको आप स्क्वायर फीट के हिसाब से नहीं कर सकते क्योंकि उसमें काम थोड़ा सा ज्यादा रहता है। अच्छा ये आपने हाथ में पकड़ रखा है, ये एक तो है ये बॉन्ड टाइट एस्ट्रल कंपनी का है, और ये क्या है? ये भी वही है। तो इसका मतलब काम क्या रहता है? ये दोनों अच्छा मिक्स होके लगती है, अच्छा आप देख सकते हैं पार्ट है पार्ट भी दोनों मिक्स होके लगते हैं, देखो आप देख सकते हैं। इसका क्या काम रहता है? ये सर फास्ट एंड क्लियर होती है, बहुत जल्दी सेट हो जाती है, इससे काम करने में आसानी होती है। मतलब जैसे इसमें एयरलाइट का भी तो यूज कर सकते हैं सर? एयरलाइट में बहुत टाइम लगता है सेट होने में। अच्छा एयरलाइट का बेसिकली यूज कर सकते हैं, लेकिन जी जी जी। लेकिन जैसे टाइम हमें बचाना है और एकदम काम करना है, तो इसके लिए ये ज्यादा इसके लिए ये बेटर है। तो तभी आप इसको लगा के एकदम तुरंत एकदम चिपका दो, तुरंत चिपका दो। सेटिंग होने में कितना टाइम लग जाता है इसको? इसको 15 मिनट, 15 मिनट में सेट हो जाता है, 15 मिनट में सेट। एयरलाइट को कितना टाइम? एयरलाइट को चाहिए करीब 6 घंटे, 6 घंटे चाहिए, तो आपका टाइम बच जाता है। और एयरलाइट उसमें प्राइस में कितना फर्क आ जाता है? प्राइस तो दोनों का बराबर सेम है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अच्छा जैसे अब जैसे हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, तो जैसे आपने सारी चीज़ें बताई दी हैं, और अगर मान लिया आप अगर ऑल ओवर इंडिया में काम करना चाहते हो तो कर लोगे? हाँ जी क्यों? ओके, तो मैं इनका नंबर जो नौशाद जी हैं, इनका नंबर मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चाहो तो इनसे कॉल भी जो है वो करके इनसे बात कर सकते हैं, और बाकी कोई क्वेश्चन तो आप इनसे पूछ भी सकते हैं। आओ अंदर आ जाओ। जैसे कि आप में से काफी सारे लोग मुझसे पूछते रहे तो डीको पेंट के प्रोसेस के बारे में, तो बैकग्राउंड में जो टीवी पैनल देख रहे हैं ना, तो इसमें डीको पेंट का ही काम अभी चल रहा है, और ये भैया जो डीको पेंट कर रहे हैं, और ये देख रहे हैं पूरी प्रोसेस है, अभी फिलहाल स्टार्टिंग की प्रोसेस है। तो अभी इसमें क्या है, फिलिंग होकर के जो है वो यहाँ पर रगड़ाई जो है वो चल रही है। अगर आप कहोगे तो एक फुल डिटेल वीडियो हम बना देंगे। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे कीलो का सबको फिल कर दिया गया, बाकी भैया से हम कुछ बात करते हैं और कुछ जानने की कोशिश करते हैं। आप भी एक मिनट आओगे थोड़ा सा? आपका नाम क्या है? मेरा मोहम्मद नईम बुरा। नईम बुरा जी, तो हम प्यार से हमको बुरा जी बोलते हैं, काफी बड़ा नाम है इसलिए। तो बुरा जी पहले बताओगे, जैसे डीको पेंट है ना, तो सबसे पहले बताओ कि बेसिक इसकी प्रोसेस क्या रहती है, और किन किन चीजों का ध्यान रख सकते हैं जिससे कि एक अच्छा डीको पेंट की फिनिशिंग हमें मिल जाए? सबसे पहले तो इसके सर पर सर लगता है, पुट्टी होती है। अच्छा पुट्टी, पुट्टी के ऊपर सर पर सर लगता है, सर पर सर से पहले होती है इस पे अपोक्सी। अच्छा, अपोक्सी के बाद सर पर सर, सर पर सर के बाद इसमें पुट्टी चेक होती है। अच्छा, फिर सर पर सर लगता है। अच्छा, फिर उसके बाद फिर पुट्टी चेक होती है, उसके बाद बेस कोट, फिर बेस कोट क्या पेंट होता है। तो मतलब देख सकते हैं कि डीको बहुत ही लेंथी प्रोसेस है और बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस, और सबसे बड़ी बात है कि और इतनी फिनिशिंग करने के बाद भी अगर हल्की सी भी कमी होती है तो बिल्कुल चमक में आ जाती है इसमें, है ना। अच्छा जनरली लोगों को ना प्राइस का इतना आइडिया नहीं होता, प्राइस का जो आइडिया है वो आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि इसमें कंप्लीट अगर डीको पेंट कराते हैं तो क्या प्राइस का चला जाता है? इसके 250 रुपए से स्टार्टिंग है, 250 रुपए से स्टार्टिंग है। और अगर मान लिया ये विद मटेरियल होगा? विद मटेरियल, कंप्लीट है ना। और अगर मान लिया कोई बंदा सिर्फ मान लिया कह रहा है कि मटेरियल मैं खुद ला दूंगा, आप सिर्फ कर दो, तब क्या प्राइस है? 140 रुपए। अच्छा इसमें ब्रांड देखिए बहुत सारे ब्रांड है डीको में, तो कौन कौन से कॉमन ब्रांड है जो कि ज्यादातर यूज होता है? ये तो आएगा सिर का चल रहा है, आई का चल रहा है। अच्छा, ये चल रहा है फिलहाल, और इसमें एशियन पेंट भी चल रहा है जी। इसके अलावा और कोई ब्रांड? बाकी सब लोकल में आ जाता है? पेल तो लोकल है सब, मेनली जो है वो आई का हो गया और आपका सीका हो गया। अच्छा सीका में भी आता है? अच्छा, जिसके केमिकल वगैरह भी आते हैं। ओके, और एशियन पेंट हो गया। ओके चलो, अभी तो फिलहाल इतनी आपसे बात करते हैं, बाकी जो है इन्फॉर्मेशन अभी बीच बीच में इनसे लेते रहेंगे जब अभी तो काम कर रहे हैं। अभी आप इनके ऊपर फोकस है और ये मना कर रहे हैं, ये पेंट कर रहे हैं और बताने से कुछ भी मना कर रहे हैं, इनकी तरफ फोकस करिए। आप कुछ बताना चाहेंगे? चलो ये कुछ नहीं बताना चाह रहे, शर्मा रहे, चलो कोई नहीं आगे चलते हैं, आ जाओ।
इनको तो पहचानते हो कि दो वीडियो ऑलरेडी इनकी डल चुकी है। देखिए इनका काम तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है। अब इनसे पूछे फिलहाल इस रूम में भी आप क्या कर क्या क्या कर रहे हो इस बारे में थोड़ा सा बताओ। आप इसकी पेनलिंग कर रहे हो, ये बेसिकली तार छोड़ी हुई है पीछे बेड की, तो बैक बनेगी। हाँ। बेड की बैक पे पीछे से पट्टी लगा के, पहले पट्टी लगाते हैं गैप देने के लिए इसकी वजह से। अच्छा गैप दे रहे हैं, गैप लगभग कितना देते हो? ये डेढ़ इंच का गैप देते हैं। ये डेढ़ इंच का गैप देते हैं, डेढ़ इंच का इसलिए देते हैं क्योंकि इसमें डेढ़ इंच की जगह होती है। ये डेढ़ इंच की जगह होती है पीछे साइड होती है जगह। अच्छा इसको देने के लिए, तो और हाँ वो इसलिए देते हैं, कहीं भी कटिंग करें कहीं भी लगा सकते हैं अपने हिसाब से। ओके तो यहाँ पर तो बेसिकली ये तो आपका बैक आ जाएगा, इसके पीछे कुशनिंग हो जाएगी है ना। तो बेड की बैक बेड लगभग यहाँ तक आएगा डेढ़ फीट तक है ना, इसके ऊपर पूरी कुशनिंग हो जाएगी। ये कुशनिंग हो जाएगी 24 इंच। बेड लगभग 18 इंच के आसपास आता है, 16-18 इंच। इसके ऊपर गद्दा समेत, गद्दा समेत आता है 12 इंच का गद्दा होता है, बक्से 4 इंच के पाए होते हैं, 12-4-16-4 इंच का गद्दा। अच्छा मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है मतलब एक तो हमें ये देखना है कि जैसे हम गद्दा कितने इंच का ले रहे हो, मतलब हमें हाइट अगर मान लिया साइज देखना पड़ता है पहले। हाँ मतलब जैसे मैं 18 इंच का अगर बेड की हाइट लेनी है और हमें पहले से ही सोच रखा है कि 12 इंच का गद्दा, तो हमें 6 इंच ही बनाना पड़ेगा उसका। तो मतलब ये हमें पहले से डिसाइड करना पड़ता है। और इसके ऊपर भी कुशनिंग आती है, वो लगभग कितनी आती है? 24-26 वो भी इस जगह के हिसाब से बनता है। तो जैसे कि स्क्रीन पर आप फोटो देख रहे हैं ना, तो आपको कुछ इस तरीके से जो है वो कुशनिंग का डिजाइन मिलेगा। अच्छा इसके साथ में बताइए, ये आपकी ड्रेसिंग आ गई। अच्छा इसमें जो है ना आप जो बना रहे हैं सर्कुलर शेप का मिरर बनेगा यहाँ पर, तो सर है ना, तो सर्कुलर शेप का मिरर बन जाएगा। नीचे ये मार्किंग हो रखी है, दो यहाँ पर जो है ड्रॉर आ जाएंगे और 12 इंची की जो है इसमें चैनल चल जाएगी ना। ओके अच्छा इसमें मुझे एक भी बताओ, इसमें जो बैग बनती है तो बैग में कुशनिंग का आप मुझे बताओ कि प्राइस कितना आ जाता होगा? लगभग 2000 के लगभग आता है खाली, जैसे मटेरियल भी हो गया, मतलब मटेरियल अगर हम दे रहे तो 2000 के आसपास जो लेबर लेबर है। हाँ। और जैसे बेड बनाने की कॉस्ट, एक अच्छे बेड बनाने की, अच्छे बेड बनाने की 8000 रुपए सिर्फ लेबर लेबर है विद मटेरियल, सिंपल खाली लेबर लेबर। अच्छा लेबर लेबर और विद मटेरियल अगर मान लीजिए, विद मटेरियल 30-35000 रुपए का खर्चा आ जाता होगा जी। और अगर मैं इंक्लूड करूँ साइड टेबल्स, इसमें पीछे बैक की कुशनिंग मटेरियल के साथ, इसमें कितना खर्चा आ जाता होगा? और गद्दों को अगर हम हटा देते गद्दों को हटा दे, गद्दे हटाने के बाद ही तो 30-35000 रुपये खर्चा आता है। अच्छा कंप्लीट करके, कंप्लीट और गद्दे तो देखो अपने ऊपर है, उसमें कोई रेंज का है नहीं। 8000-10000-12000-20000-50000 गद्दे तो। और बाकी उसमें अगर आपने मान लिया अंदर फिटिंग्स है, आपने ड्रॉर्स लगा दिए या फिर आपने हाइड्रोलिक लगा दिए, फिर और रेट बढ़ जाते होंगे ना, और ज़्यादा बढ़ जाता है, और ज़्यादा बढ़ जाता है। चलो ठीक है इतना ही काफ़ी है, बाकी जो है अभी थोड़ी थोड़ी हम और भी सबसे बात करते रहेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे पेंट का काम चल रहा है, ये फर्नीचर का काम पूरा रेडी है, लैमिनेट इसके ऊपर हो चुका है और इसको जो पूरे तरीके से हमने कवर कर दिया है ताकि इसके ऊपर कोई भी छींटे ना पड़े, क्योंकि बाई चांस होता है ना छींटे पड़ जाएंगे, निकल तो जाएंगे लेकिन पहले निकालने के चक्कर में बाद में स्क्रैच पड़ गए, तो वो थोड़ा सा गड़बड़ रहता है। बाकी इसको भी हमने कवर करा, ये ओपन क्यों कर दिया है? क्योंकि पेंटरों का तो उसमें कोई काम ही नहीं है। अच्छा वो कॉर्नर करने के लिए। और अगर आप इंटीरियर्स और आर्किटेक्चर के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को इजी वे में सीखना चाहते हैं इन डेप्थ तरीके से, लाइक आपका किचन डिजाइनिंग कैसे की जाती है, बाथरूम डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइन थीम, कलर कॉम्बिनेशन रूल, बेडरूम स्पेस प्लानिंग, बाथरूम स्पेस प्लानिंग, बजट मेकिंग थंब रूल्स आपके, कलर कॉम्बिनेशन रूल, और भी बहुत सारे इन डेप्थ कोर्सेज आपको जो है डिटेल में मिल जाएंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिजली वाले का भाग गए। अच्छा इधर आए बिजली वाले हैं जो अभी काम कर रहे हैं बहुत ही मेहनत से, इनके साथ मैं भी जरा ऊपर चढ़ के इनसे बात करता हूँ। ये कह रहे हैं मुझसे बात नहीं कर रहे भाई, क्यों नहीं कर रहे मुझसे बात? अच्छा मुझे ये तो बताओ ये प्लाई आपने एक्स्ट्रा से क्यों ठुकवा रखी है? इसका बेस छोटा होता है ना साइज जो है, फिर इसमें हम गिट्टी करेंगे तो इसकी धारे टूट जाती है। अच्छा मतलब यहाँ पर जैसे हमने पहले जैसे धारे बना रही थी वो धारे टूट जाती है, तो मतलब अभी पूरा प्लाई में घुसा हुआ होगा। अच्छा तो इसका साइज क्या रहता है क्वेश्चन का? ये 12 mm में है, 1 फीट वाला। ये 12x12 का है? ओके ये तो पोलर का है ना, पोलर का। तो अभी बिल्कुल ओके करके टन टन चल रहा है ना। अच्छा आपने यहीं से पॉइंट ले लिया इसका? ओके और आपने स्ट्रिप लगा दी? लगा ली। स्ट्रिप कहाँ पे? नीचे इसी यहीं से पॉइंट नीचे। अच्छा इसके नीचे जो स्ट्रिप लग रही है उसका जो ये है ये इसी का इधर ड्राइवर, इसी का ड्राइवर है ना, तो ड्राइवर इसका यहीं पर रखा जाएगा। ओके वायरिंग आपने कहाँ से खींची है? इसकी ये यहाँ से जो पॉइंट है ये चिमनी का, ये चिमनी का सॉकेट हो गया। चिमनी का सॉकेट आप यहाँ से कितना ऊपर लेते हो? ये होता है तुम्हारा इसका आएगा 3.5-3.5 फीट का होता है यहाँ से, 3.5 फीट। ओके अच्छा मुझे ये बताओ यार कि इसमें क्या बोलते हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट होते हैं, तो इसमें सेफ्टी के पर्पज से बोर्ड में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए हमें? एक तो हाइट होनी चाहिए इस पर किचन में या फिर नहीं किचन में, मेन बोर्ड में, मेन बोर्ड में
मेन बोर्ड में तो जैसे MCC भी लग गई हमारी। MCC का काम क्या होता है? अगर कोई फॉल्ट होता है तो बंद हो जाती है अपने आप। अच्छा, अपने आप ही बंद हो जाती है। ELCB भी आती है, वो ELCB आती है। अच्छा, ELCB का भी वही काम होता है, वो हल्का सा भी रिटर्न होता है एकदम बंद हो जाता है। तो इसमें MCCB का कुछ एम्पियर का हिसाब होता है? हाँ, एम्पियर 100 एम्पियर जैसे रूम के ऊपर बात होती है, जितने कोठी का लोड होता है उसके हिसाब। मतलब अगर मान लिया हर रूम में, मान लिया 7-8 रूम और हर रूम में एक AC लगा हुआ है, तो कितने एम्पियर की MCCB? एक AC 6 एम्पियर लोड लेता है। एक AC 6 एम्पियर लोड लेता है, सिंपल सा फंडा है एक AC। और इसमें गीजर कितना? 6 एम्पियर लेता है। और लाइट वाइट का कैसे? गीजर तो बराबर लोड लेता है, AC स्टार्टिंग में 6 एम्पियर लेगी, फिर बाद में कम हो जाएगा। बाद में कम हो जाएगी, जो आजकल जो नए जो आ रहे हैं AC है ना, वो तो कम आ ही रहे हैं, लेकिन स्टार्टिंग में जब कंप्रेसर चलता है तब लोड ज़्यादा लेगी, तब लोड ज़्यादा लेता है। उसके बाद नॉर्मल भी ज़्यादा 4 पे आ जाएगा, वो 2 एम्पियर। और सबसे बड़ी बात है कि सारी चीज़ें हम एक साथ थोड़ी चलाते हैं। मान लिया अब जैसे मान लिया गर्मियों में गीजर नहीं चलते, सर्दियों में आपके AC चलते, तो पहले करते थे इस तरह, जैसे AC की 4 की वायर डाल दी, उस 4 की वायर में हम गीजर भी जोड़ देते थे, क्योंकि सर्दी में तो गीजर चलेगा और गर्मी में AC। क्योंकि फिर हमने तो आप रिस्क नहीं लेते, आप सेफ्टी के नाम पर। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताओ कि जैसे AC की वायरिंग जो है वो कितने MM की होनी चाहिए? 4 MM की। 4 MM की, और गीजर की भी? वो 2.5 MM की। वो 2.5 MM में चल जाएगी। अच्छा, तो इसमें अच्छा मतलब AC की 4 MM, अच्छा वो कंटिन्यू चलता है ज़्यादा? ओके, ये बहुत अच्छा पॉइंट बताया आपने कि AC हम कंटिन्यू चला के रखते हैं तो वो 4 MM और वो 2.5 MM। और गीजर तो ऑटोमेटिक होता है ना, कट मार देता है। आजकल क्या होता है, वो AC तो पूरा 16 पे चलाते हैं, टेम्परेचर करके 16 पे, वो कंप्रेसर कट भी मारता ना, क्योंकि 16 तो आने का ही नहीं टेम्परेचर हमारे। AC भी ज़्यादा ज़्यादा 24 पे ही चलाना चाहिए, वरना कंप्रेसर खराब हो जाएगा। आपके हिसाब से वायरिंग कौन सी बढ़िया है? पॉलीकैब बढ़िया है। पॉलीकैब बढ़िया है, और बाकी इसके अलावा और कोई इधर में? हैवल्स और KI भी ठीक है। अच्छा, और जो नॉर्मल जो वायरिंग डलती है वो कितने MM की डलती है? 1 MM 1.5 MM। अच्छा, 1 MM कहाँ पे यूज होती है? 1.5 MM कहाँ पे? 1 MM जैसे लाइट है हमारी, इस लाइट से स्विच बोर्ड तक के जाती है, यहाँ से स्विच बोर्ड तक 1 MM जाती है। और 1.5 MM? 1.5 MM न्यूट्रल होता है, पूरे में घूमता है, पूरे में जो घूमता है 1.5 MM। और जो 1.5 MM दूसरा होता है वो फेस होता है, वो जैसे मेन स्विच है, इस स्विच से अलग अलग जहाँ जहाँ पे बोर्ड आएंगे वो सब 1.5 MM होता है। आइए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का काम चल रहा है, उसके आपके क्या रेट है? 30 रुपये। 30 रुपये स्क्वायर फीट। अच्छा, मतलब 30 रुपये स्क्वायर फीट में लेंटर से लेकर के सारा काम आप कर दो? सारा काम आपका रहता है। ओके, तो अच्छा मुझे एक चीज़ इसमें और बताओ कि जैसे मान लिया AC की जैसे पाइपिंग हो गई, तो या फिर जनरेटर के पॉइंट हो गए, तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा जाता है क्या? फिर हम तो एक्स्ट्रा नहीं लेते उसमें, लेकिन AC के पाइप का एक्स्ट्रा होता है। AC पाइप का एक्स्ट्रा है, तो वो तो देखो बिल्कुल जायज है कि एक्स्ट्रा होता ही है। अच्छा, ये पाइप में सब सामान हमारा होगा, बस रेट तो कॉपर के ऊपर है जैसा होता है। ओके ओके। अच्छा, एक मतलब एक सिंपल सी लास्ट एक क्वेश्चन है। मैं वैसे देखो क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लेकिन लास्ट एक क्वेश्चन पूछता हूं, मैं ज़्यादा परेशान नहीं करता आपको, कि एक जैसे घर में सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, लुक तो हर कोई भी दे देगा, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से मेनली किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब आप बिजली का काम करवाते हैं, क्योंकि बिजली और पानी का काम बहुत ज़्यादा क्रूशल होता है, तो वो आप मेरे को बताइए। हमारा जैसे एक तो पाइपिंग अच्छी होनी चाहिए, पाइपिंग अच्छी होनी चाहिए, जैसे पॉलीकैप के पाइप हैवी होता है, वो लेंटर में क्रैक नहीं होगा, ठीक है, हैवी पाइप आपको यूज़ करनी, ठीक है। फिर वायर हमारी स्विच बोर्ड जितने भी लगते हैं, लोहे वाले बॉक्स आएंगे, लोहे वाले बॉक्स वो सब हैवी होने चाहिए। प्लास्टिक वाले लोग ज़्यादातर लगाते हैं कॉस्ट कटिंग के लिए, वो नहीं लगाने चाहिए, लोहे वाले इस्तेमाल, GI बेसिक, लोहा तो खैर लग जाता है, GI वाले। और जी ये समझ लो इसमें वायर हमारी, वायर कंपनी के हमें, और मेन अंडरग्राउंड जितनी भी चीज़ें होंगी ना, ये बेहतर ही होनी चाहिए, बेहतर इनमें कोई कॉम्प्रोमाइज ना, कॉम्प्रोमाइज ना, लाइट भले या थोड़ी सी कम नॉन बेंडेड लगा लो, है ना, क्योंकि लाइट से चेंज भी कर सकते हैं, स्विच वगैरह भी चेंज हो रहा है, वायरिंग नहीं चेंज होती। और मेन बोर्ड पे हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? मेन बोर्ड पे हमारा जैसे हम लगाते हैं MCCB, राउटर स्विच वगैरह, राउटर स्विच का काम ही होता है, एक फेस चला गया तो दूसरे फेस पे हम डाल सकते हैं, जैसे तो कोई कोई 3 लगवाता है, हमें एक ही लगाते हैं, एक पे हम लाइट लाइट का फेस डाल देते हैं उसका, अगर कभी 3 फेज में से एक फेस जाता है तो घुमाने से हमारी लाइट चलती रहेगी। अच्छा, तो ये बेसिकली मेन पॉइंट है, इसका ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, नहीं एक बहुत एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अब इस बारे में हम जिक्र भी कर रहे थे, देखो जैसे सीलिंग में देखने प्रोफाइल लाइट घूम रही है, अब बहुत सारे लोगों ने पता नहीं तो प्रोफाइल लाइट लगी है, देखो लगाने के तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एक सही तरीका क्या है, और सीलिंग जब होती है तो उस टाइम हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि प्रोफाइल लाइट लगाने से हमें कोई दिक्कत ना हो? इसमें या तो पहले POP वाले को बताओ कि हमारी कितनी हाइट पर लगेगी दीवार से छोड़ दो। अच्छा, मतलब पहले से ही पता होता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, चैनल डल दिया POP वालों की, या तो हम उसको लगा सकते हैं, जो POP चैनल डलते हैं वही जो है चैनल, हाँ उसे उल्टा करके रखवा दो, उसी पे ही पेच टाइट होते चले जाएंगे, वरना कोई प्लाई भी लगवाता है उसमें प्लाई से भी हो जाती है, क्योंकि इसका पहले ही बताना पड़ता है हमें। अच्छा, इसको पहले ही बताना, हाँ, क्योंकि अगर पत्ती नहीं आएगी पेज नहीं लगेगा, फिर ये चिपकाने में परेशानी होगी हमें, ये चीज़ होती है। ओके,
तो इसमें इसमें जैसे पीओपी की जो थिकनेस होती है वो भी मैटर करती है क्या? हाँ जी वो मैटर करती है। मतलब अगर थिकनेस अगर कम होगी तो कोई दिक्कत होगी? दिक्कत रहेगी फिर ये जिस तरह ये बाहर रहेगी बाहर लटकती है। और इसके अलावा और कोई पॉइंट? बाकी मेन पॉइंट ये है। बाकी इसके अलावा जैसे मैंने देखा है ना ज्यादातर की जैसे ये लगती है तो इसके अंदर ना दाने दिखते हैं, तो वो क्या रीजन हो सकता है? वो तो लाइट की क्वालिटी के ऊपर बात है जी। अभी इसमें हम 240 पर मीटर वाले इस्तेमाल कर रहे हैं और इसमें फिर आती है वो हमारी 120 वाली, वो जितनी कम होगी उतने दाने दिखाई देंगे। अच्छा मेरा एक प्रश्न आपसे और है, अब जैसे सीलिंग बन रही है यहाँ पर, तो सीलिंग में क्या है कि यहाँ पर कहीं पे भी हमने कोव नहीं दे रखा, तो कोव हमने दे नहीं रखा, तो अब इसमें क्या है कि इसका जो ड्राइवर है वो कहाँ पर रखा गया ये मुझे बताओ। ये हम लाइट पे रखते हैं। क्या क्या इससे क्या होता है लाइट के अंदर? हाँ इसमें क्या होता है हम लाइट का बिल उतार जैसे हम चेंज कर सकते हैं। ये प्रोफाइल तो यही नहीं, कहीं पे भी लगे तो इसके ड्राइवर का ध्यान रखना चाहिए कि जगह रखा जाए ताकि हम इसे चेंज कर सकें कभी भी चेक करना हो, क्योंकि लाइट तो ख़राब होती है ज़्यादातर ड्राइवर ही ख़राब होता है, इसलिए इसको इसी जगह रखना चाहिए। ओके तो आशीष जी बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए। और दोस्तों देखो बातें करने के लिए बहुत सारी है लेकिन अभी जो है इनको मैं परेशान नहीं करूँगा क्योंकि डेडलाइन का काम है और काम काफ़ी ज़्यादा है, तो इनका नंबर मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूँगा, अगर कोई भी इनसे काम करवाना चाह रहे तो डायरेक्ट इनको कॉल कर सकता है। और बाकी हम चलते हैं नेक्स्ट बंदे की तरफ। वाले आ गए सामने हमारे, तो एक दो क्वेश्चन जरा मेरे माइंड मारे मैं पूछ ही लेता हूँ इनसे। अरे भैया एक बार बताओ, जैसे ये कंसोल लगा हुआ है ना, अब इसमें एक तरीका ये था ना कि जैसे मान लिया आप क्या है कि इसका साइज मेजर कर लेते और वहीं से ही अपनी दूसरी साइड से बना के ले आते, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है फिर साइड पे आके सेट करना पड़ता है? साइड पे आके सेट होता है सर, साइड पे आके सेट होता है। तो जैसे साइड पे उन्होंने प्रॉपरली बना रखा हो तो कोई दिक्कत होती है? नहीं 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 कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब आप वहाँ से बना के डायरेक्ट यहाँ पे ला के लगा सकते हैं? ओके, तो मतलब अगर आपका छोटा काम है तो जहाँ पे पत्थर का काम चल रहा है तो उसका साइज मेजर करके बना करके डायरेक्ट यहाँ पे सेट हो जाए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत। ठीक है, अब अभी देखिए पेंटर हमारे सामने जो जो स्टार्टिंग में भी शर्मा रहे थे और अभी भी शर्मा रहे हैं, देखो ये बात ही नहीं कर रहे हैं, तो चलो कोई नहीं। तो फिलहाल आज के लिए हमने जो काफ़ी बात कर ली है तो आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। कोई भी क्वेश्चन तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और किसी भी टॉपिक पर अगर आप डिटेल वीडियो चाहते हैं तो भी हमें को नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और दोस्तों बहुत सारी छोटी छोटी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं इंस्टाग्राम पर रेगुलर डालता रहता हूँ, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।